सो हे गाइस, आ चुके हैं वैसे एक नई वीडियो लेके। आज जानेंगे ये सारे डाउट्स जो बच्चे के मन में चल रहे हैं रिगार्डिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर रीप। जो भी है ना एप्लीकेशन फॉर्म आया रीप का, उस पर बहुत सारे बच्चों के डाउट चल रहे हैं भैया, क्या इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है, क्या भैया मैं अपने पेरेंट्स का अपलोड कर दूँ भैया, अगर मेरे पास नहीं, अगर मुझे अपना ही अपलोड करना है पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है, बनने में टाइम लगेगा, तो मैं इस प्रोसेस के इसमें क्या करूँ, और भैया क्या कहाँ से बनवाया जाए ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पूरा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो देखना एंड तक, शेयर करना दोस्तों के साथ अपने और दोस्तों के साथ अपने, सब्सक्राइब करना चैनल को, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है। तो आप जानते होंगे कि अगर आप कहीं रह रहे हैं तो यार ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेसिकली आपका प्रूफ है कि आप एक जगह के रेसिडेंट हो, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो उसको आपका एड्रेस वगैरह लिखा आता है कि हाँ ये बताया जाता है कि आप उस जगह के रेसिडेंट हो, मतलब परमानेंट रेसिडेंट हो, ये बात होती है। अब बात करते हैं कि रीप के जो एप्लीकेशन फॉर्म निकले 14th of August को, उसमें ये मांग रहा था आपका जो एप्लीकेशन है, जो कि वो बोल रहा है कि यार अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दे भाई, अपलोड कर दे, ठीक है। तो आप बोल रहे नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, या फिर आप सोच रहे हो क्या ये कंपलसरी है, तो बता देते हैं यार क्लियर इसका आंसर है, कंपलसरी है, भरना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब अपलोड किए बिना अपन निकल जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि होता है कि रीप के अंदर एक वो होता है कैटेगरी आउट ऑफ राजस्थान और राजस्थान के अंदर वाला। तो राजस्थान के अंदर ये सब जो होते हैं ना कैटेगरीज के जो रिजर्वेशन होते हैं, ये कैसे डिफाइन किए जाते हैं यार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर ही डिफाइन किए जाते हैं सारे के सारे, मतलब लेजिटिमेट तभी होता है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया कंपलसरी तो है, बट अब भैया मेरे पास अभी अभी तो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं अपने पेरेंट्स का अपलोड कर दूँ? तो पेरेंट्स का अपलोड करने की गलती मत करना प्लीज़, क्योंकि जो अभी तो अपलोड कर दोगे बट आप फिर उसको चेंज कर नहीं पाओगे, चेंज कर नहीं पाओगे तो यार ऐसा है कि लास्ट में जो जाओगे ना अपने अपने कॉलेज में, जैसे आप अलॉटेड कॉलेज में जाओगे, तो उसमें यार आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना यार, उसमें आप फंस सकते हो, थोड़ा सा बचिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा, पेरेंट्स का अपना अपलोड नहीं करना है, उससे बचिएगा, ठीक है। ये हो गया अपना सोल्यूशन इसका। अब बात करते हैं कि भैया आप मेरे को जैसे कि उनको भर मेरे को बनवाना है अपना ईमेल, वो अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है मेरे को, तो कहाँ से बनवाऊँगा भैया मैं? तो आपके नियर बाय कहीं भी ई मित्र की शॉप होगी, उस पर जाइए, उसको बोलिए कि भैया मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको फॉर्म देगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद इन 15-20 डेज आपके पास होगा, मतलब बनके आपके पास आ जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से मतलब आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, चलो बात सही है कि 15 से 20 दिन में बन तो जाएगा, बनवाना भी है क्योंकि आगे भी काम आएगा लाइफ में, बट भैया 15 से 20 दिन हमारे पास है ही नहीं, क्या करें भैया, क्योंकि उससे पहले हमारा रीप जो एप्लीकेशन फॉर्म है बंद हो जाएंगे, तब क्या करें, उसके लिए क्या करें? तो आप जाएंगे जब रीप अपना ई मित्र के पास में, उसको बोलेंगे कि भाई मेरा सर्टिफिकेट बना दे डोमिसाइल वाला, तो आपको वो फॉर्म भरवाएगा, फॉर्म भरवाने के बाद आपके लिए वो जब अप्लाई करेगा ना, आपके जो उसका प्रोसेस रहता है उस अप्लाई करने का, उसका उसका वो उसका लुकआउट है, उसके बाद में आपको एक रिसीट देगा, वो उस रिसीट को लीजिएगा उससे, ठीक है। रिसीट लिया आपने, रिसीट लेने के बाद में उसको अपने अपने डोमिसाइल की जगह अपलोड कर दीजिएगा, उस रिसीट पे आपका होगा कि हाँ आपने अप्लाई कर रखा है, आपके पास आ जाएगा। और जब भी आपके पास आ जाता है आपका जो ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जब भी आ जाता है, जब आप जाते हैं अपने कॉलेज में, जो जैसे कि अगर आप आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया, आपने एडमिशन ले लिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसीट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तब आप अगर जब अपने इस कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, तब अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सबमिट कीजिएगा, मांगेंगे आपसे, तभी भी मांगेंगे, पीछे पड़े रहेंगे पर लेके ही रहेंगे। तो अभी क्या करना है भैया मेरे को, अभी आप जाइए अपने ई मित्र से बोलिए भैया मेरा सर्टिफिकेट बनाओ, आपको रिसीट देगा अपने कि आप कहाँ प्रोसेसिंग में है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उस रिसीट को अपलोड कीजिए अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जो मांग रहे हैं कॉलम है उसमें अपलोड कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, मैं पक्की तरह से आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब बात करते हैं कि भैया ये सब तो हो गया, अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये रहा तो इसका सोल्यूशन ये था कि और बाकी तो यार इस पर कुछ ऐसे ज़्यादा चिंता करने वाली बात है ही नहीं, ठीक है, बाकी तो चिल करो, मज़े करो और आराम से आपका सिलेक्शन वगैरह किसी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो यार इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करो चैनल को, बाकी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट नाउ।